पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे हैंडसम सिंगरों में शुमार और अपनी आवाज का जलवा बिखेरने वाले लाखों दिलों तक पहुंचने वाले सिंगर हार्डी संधु आज सिर्फ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं, वह बॉलीवुड तक भी अपनी सुरीली आवाज के कारण लोगों में बस चुके हैं। लेकिन यहां तक पहुंच पाना भी इतना आसान नहीं था। अपने बचपन के सपने को छोड़कर कैसे वह अपनी मधुर आवाज के दम पर सिर्फ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं, कैसे बॉलीवुड में भी लाखों दिलों तक पहुंच पाए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हरदविंदर सिंह संधु उर्फ हार्डी संधु का जन्म 6 सितंबर 1986 को हुआ पंजाब के शहर पटियाला में श्रीमान जसप्रीत सिंह संधु जी के घर। सिंगिंग कभी भी हार्डी संधु के लिए करियर ऑप्शन नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लेखा और किस्मत का मिला कोई नहीं बदल सकता। बचपन से करीब 12 साल तक वह क्रिकेट खेलते आए थे। ऐसा भी वक्त था जब उन्होंने शिखर धवन, जो आज की मौजूदा क्रिकेट टीम में सबसे मजबूत कड़ी है, उनके साथ रूम पार्टनर भी रह चुके हैं। आज की मौजूदा क्रिकेट टीम के कई ऐसे मौजूदा खिलाड़ी हैं जिनके साथ हार्डी संधु ने क्रिकेट ग्राउंड शेयर किया है। यहाँ तक कि वह रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं पंजाब की टीम से एज अ फास्ट बॉलर। साथ ही वह अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। लेकिन अफसोस, 2007 के रणजी ट्रॉफी सीजन की शुरुआत होने से पहले ही प्रैक्टिस करने के दौरान उन्हें एक एल्बो इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपना रणजी ट्रॉफी सीजन पूरा का पूरा छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि अपना इलाज कराने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया भी जाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में इलाज कराने के दौरान उन्हें ऐसे भी दौर का सामना करना पड़ा जब उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अपने पैसों की तंगी को पूरा करने के लिए उन्हें टैक्सी भी चलानी पड़ी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर वह अपने कमबैक मैच की तैयारी कर ही रहे थे कि मैच के सिर्फ 2 दिन पहले ही उनकी बीमारी उभर कर उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण उन्हें अपना क्रिकेटर बनने का सपना हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा, जिसके कारणवश कुछ समय के लिए वह डिप्रेशन में भी चले गए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। हार्डी का मन धीरे धीरे संगीत की तरफ बढ़ने लगा था और उनकी रुचि संगीत की तरफ बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद साल 2010 में उन्होंने करीब 18 महीनों तक सिंगिंग की ट्रेनिंग ली और फिर साल 2012 में हार्डी ने सोनी म्यूजिक लेबल के अंतर्गत अपना पहला सॉन्ग रिलीज करा, टकीला शॉट। लेकिन टकीला शॉट उन्हें वह कामयाबी नहीं दिला सका जिसके वे सही हकदार थे, जिसके बाद उन्होंने और भी ट्रैक्स गाए जैसे पहली गोली, कुड़ी तू पटाका, आशिकी तेलोन। लेकिन फिर साल 2013 में आया सॉन्ग सोच था, जिससे उन्हें वह कामयाबी मिली जिसके वह सही हकदार थे। सोच वह सॉन्ग बना जिससे वह लोगों के दिलों तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके कारण वह अवार्ड से भी सम्मानित करे गए। पंजाबी म्यूजिक अवार्ड फॉर मोस्ट रोमांटिक बैलेड ऑफ द ईयर, मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट म्यूजिक वीडियो अवार्ड से। जिसके बाद साल 2016 में इस सॉन्ग का हिंदी रीमेक भी बना, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया अक्षय कुमार की मूवी एयरलिफ्ट के लिए। जिसके बाद कई दमदार हिट्स उन्होंने अपनी ऑडियंस को दिए, जैसे हॉर्न ब्लो, बैकबोन, ना क्या बात है। वहीं साल 2016 में ही उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करा मूवी तुम बिन 2 से सॉन्ग की करिए नचना ओंदा ही नहीं से। जिसके बाद साल 2018 में उन्होंने अपना सेकंड बॉलीवुड सॉन्ग गाया लिटिल लिटिल मूवी यमला पगला दीवाना फिर से के लिए। सिंगिंग के साथ साथ हार्डी संधु ने अपनी एक्टिंग के स्किल्स भी दिखाए हैं, जिसमें वह पार्ट रहे हैं 2014 की पंजाबी मूवी यारा द कैचअप एंड साल 2017 की मूवी मेरा माही एनआरआई के, जिसके बाद वह इस साल बॉलीवुड मूवी 83 में भी नजर आएंगे फॉर्मर क्रिकेटर मदन लाल के करेक्टर में, जिससे वह अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करने जा रहे हैं एज अ एक्टर। चाहे सिंगिंग हो, एक्टिंग हो या हो क्रिकेट, हार्डी ने कभी भी अपनी ऑडियंस को नाराज नहीं किया है। हार्डी का लेटेस्ट ट्रैक जी करदा है, जिसने इंटरनेट पर अपनी धूम मचा रखी है। कई सुपरहिट ट्रैक है जो हमें हार्डी से आने वाले समय में सुनने को मिलेंगे और वह अपनी ऑडियंस को ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड प्लीज हमें नीचे कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।